बिहार विधानसभा में 2020 के चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन वक्त के साथ साथ राजद विधानसभा में कमजोर हो गई। इधर विधान परिषद में जेडीयू बड़ी पार्टी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में जेडीयू भी दूसरे नंबर पे आ गई। अब विधानसभा और विधान परिषद में भाजपा नंबर वन बनकर उभरी है। बीजेपी ने लालू यादव के मूल वोटरों में से एक वोटरों में सेंधमारी करने के लिए स्पीकर की कुर्सी यादव जाति से आने वाले नेता को दे रखी है। बीजेपी सदन में सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई। अब बीजेपी के बाद राजद है। हालांकि कुछ दिनों के बाद राजद की संख्या और घट सकती है, क्योंकि राजद के बागी जो भाजपा में चले गए हैं वो भी राजद से दूर हो गए हैं। फिलहाल जो अभी संख्या है उस संख्या में ये गिनती राजद के खेमे में ही है, लेकिन जब वो फाइनली होगा तो राजद के खेमे से बाहर चले जाएंगे। लेकिन सवाल अब ये है कि कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें अगर राजद जीत हासिल कर लेती है तो फिर ये संख्या बदल सकता है। लेकिन आज की परिस्थिति में सदन के अंदर दोनों ही सदनों में भाजपा बड़ी पार्टी है और नंबर वन बनकर उभरी हुई है। दरअसल बिहार विधानसभा और विधान परिषद में बड़े भाई की भूमिका में भाजपा इसलिए भी है क्योंकि दोनों ही सदनों में स्पीकर और सभापति की कुर्सी भी भाजपा के ही पास है। हालांकि इसके पहले एक सदन में बीजेपी और दूसरे सदन में जेडीयू के पास ये हुआ करता था, लेकिन पहली बार बीजेपी का स्पीकर और बीजेपी का ही सभापति। नीतीश यहां छोटे भाई के भूमिका में है। राजद इन तमाम राजनीतिक परिदृश्य को देख रहा है। हालांकि जो विधानसभा के अंदर संख्या बल है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। बिहार विधानमंडल में सर्वाधिक सदस्यों की संख्या के साथ ही भाजपा की हनक बढ़ने लगी है। अब विधानसभा में 78 विधायक और विधान परिषद में 24 सदस्यों के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर भाजपा स्थापित हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति की कुर्सी पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। राजद के आधार वोट वाले नेताओं को बैठाकर 2025 के विधानसभा चुनाव को साधने में बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई है। आपको बता दें कि 14% आबादी वाले यादव समुदाय के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष बनाकर दूरगामी संदेश देने की कोशिश भाजपा ने की थी। दूसरी तरफ शाहबाद और मगध की हार के बाद विधान परिषद में राजपूत समुदाय से आने वाले अवधेश नारायण सिंह को सभापति बनाकर पार्टी के रणनीतिकारों ने एक नया संदेश जारी किया है। आपको बता दें कि शाहबाद और मगध के इलाके में भाजपा को करारी शिकस्त मिली थी। अभी बिहार विधानसभा के अंदर जो संख्या बल है सीटों की, उसमें कई सीटें खाली हो रही है। लोकसभा चुनाव में राजद के 3 विधायक के सांसद बनने के साथ ही विधानसभा में उनका त्याग पत्र होने के साथ उनकी सीटें खाली हो गई है, और यही वजह है कि राजद जो सबसे बड़ी पार्टी थी उसने वो हैसियत खो दी। अब दोनों सदनों में भाजपा ही सिरमौर बनी हुई है। दोनों ही सदनों के आसन पर भाजपा ही विराजमान है। बड़ी पार्टी के रूप में सदन में वक्ताओं के लिए निर्धारित अधिक समय लेने की हकदार भी अब भाजपा बन गई है। सदन प्रमुख की बातें करें तो विधानसभा में नंदकिशोर यादव अध्यक्ष हैं, तो विधान परिषद में अवधेश नारायण सिंह कार्यकारी सभापति हैं। लोकसभा चुनाव में विधानमंडल के 5 सदस्य सांसद बन गए, इसमें विधानसभा के 4 और विधान परिषद के 1 सदस्य सुरेंद्र प्रसाद यादव, सुधाकर सिंह, सुदामा प्रसाद, जीताराम मांझी और देवेश चंद ठाकुर के लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद इन सभी सीटों पर जो है इनके इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली हो गई, और यही वजह है कि दलगत जो संख्या है उसमें भारी फेरबदल हुआ है। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में राजद सदस्यों की कुछ और संख्या घट सकती है। विधानसभा के संदर्भ में आपको बता दें कि कुछ सदस्य जो सदन में पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग में हिस्सा लिए थे, जिसके बाद दल बदल कानून के तहत इन पर कार्रवाई विचाराधीन है, इसलिए फिलहाल इनकी गिनती तो फिलहाल राजद खेमे में ही की जा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में और भी इनकी संख्या घट सकती है। अभी विधानसभा के अंदर जो सदस्यों की संख्या उसमें 78 केवल भाजपा के हैं, जबकि 77 राजद के, 44 जेडीयू के। विधानसभा में कांग्रेस के 19, माले के 11, हम के 3, सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2, एआईएम के 1 और 1 निर्दलीय विधायक हैं।
वहीं विधान परिषद में 24 सदस्यों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि 21 सदस्यों के साथ जेडीयू दूसरी पार्टी है। राजद के 15, कांग्रेस के 3, सीपीआई के 1, हम के 1, लोजपा और माले के 1-1 सदस्य सदन के अंदर मौजूद हैं। वहीं निर्दलीय की संख्या बढ़कर 6 हो गई और परिषद की 2 सीटें खाली है। जाहिर सी बात है कि इस सीटों के आंकड़े के बीच भाजपा सदन में अब राजद से ज्यादा वक्त लेगी और राजद से बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है। सदन में भाजपा ने भले ही अपना कद बढ़ा दिया है, लेकिन 2020 के बाद अब 2025 पर भाजपा की रणनीति भी तैयार है। देखना है कि 2025 में नतीजे किस तरीके से आते हैं। बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के लिए नई रणनीति के तहत चुनाव के मैदान में जाएगी, तो वहीं जेडीयू अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने की लालसा के साथ। इधर तेजस्वी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए एड़ी चोटी एक करते हुए दिखाई पड़ेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।